दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के पूरे दिल्ली में प्रचार अभियान अब काफी तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में पदयात्रा के माध्यम से सुबह शाम जनसंपर्क अभियान को तेज कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के साथ साथ दिल्ली के अंदर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को घर घर पहुंचाने का काम हो रहा है। शाम के समय में बूथ वाइज जनसंवाद के माध्यम से कूड़े पर चर्चा हो रही है कि अभी तक अगर दिल्ली के अंदर 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर आपकी गलियों में कूड़ा रहा है, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या 15 साल देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर एक मौका दिया जाए तो क्या ये कूड़े साफ हो सकते हैं? या फिर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को यह मौका दिया जाए, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यात्रा, तीर्थ यात्रा, जो जो काम दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के लोगों ने दिया उसको किया है। तो 4 दिसंबर को काम करने वाले को मौका दिया जाए या बहाना बनाने वालों को मौका दिया जाए, इसको लेकर के जनसंवाद दिल्ली के अंदर अलग-अलग बूथों पर चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के एमसीडी के अंदर ये 3 प्रचार के माध्यम हैं, पदयात्रा, डोर टू डोर कैंपेन और जनसंवाद। इन 3 माध्यमों के माध्यम से हम दिल्ली के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है। और उस उत्साह का परिणाम भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। दिल्ली के अंदर लोगों के मन में एक बात पैदा हो रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए क्यों ना अपने क्षेत्र के अंदर काम को और गति देने के लिए, बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ दिया जाए, अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया जाए। और इसी सोच को लेकर के आज पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह लोग अलग अलग पार्टियों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले कबीर नगर वार्ड, जो पहले कर्दमपुरी वार्ड हुआ करता था, उस वार्ड से पिछली बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे मोहम्मद फुरकान कुरैशी साहब, जो पिछली बार 8,900 वोट पाए थे और आम आदमी पार्टी से साजिद खान वहां जीते थे। कितने वोट से जी? 550 550 वोटों से आम आदमी पार्टी जीती थी। दूसरे नंबर पे 8,900 वोट लेकर के फुरकान कुरैशी साहब दूसरे नंबर पे रहे थे। आज वो आम आदमी पार्टी, फुरकान कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने वहां से पहले इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक इन्होंने काम किया था, लेकिन इस बार क्योंकि पिछली बार जब पार्षद हमारे थे, भाजपा की सरकार थी जिसमें बार बार बाधाएं आ रही थी, तो एक नए सोच के साथ काम की, जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है उसको देखते हुए आज वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरे और इनकी पूरी टीम ज्वाइन कर रही है। दूसरे हमारे बीच में श्री ओम प्रसाद वशिष्ठ जी हैं,
जो 30 वर्षों से कांग्रेस में रहे हैं, प्रदेश के सचिव रहे और जनता मजदूर कॉलोनी जो वार्ड है उसके ब्लॉक अध्यक्ष लंबे समय से रहे हैं, श्री भगवान परशुराम जागृति मंच के अध्यक्ष हैं और लगातार सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं। तो इन दोनों साथियों का आम आदमी पार्टी के परिवार में स्वागत है और हमें भरोसा है कि इनके दोनों लोगों के जुड़ने से बाबरपुर विधानसभा के अंदर करदमपुरी वार्ड और जो नया गोरख पार्क वार्ड बना है, जो पहले जनता मजदूर कॉलोनी वार्ड था, उन दोनों में बड़ी मार्जिन से जीत का जो है वो पथ अग्रसर होगा। तो मैं दोनों लोगों का पार्टी में स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार टोपी पटका पहना करके आगे से पहना। ओम प्रकाश जी को इधर लाओ। ओम प्रकाश जी आ जाओ। ठीक है, और लोग कोई बना दो इधर से आ जाओ। अरे इधर से आ जाओ, आगे से आ जाओ। शायद रामपुरी उन्होंने तानी पटका पहना दो ना। उधर जाओ, उधर ही उधर जाओ आप। इमरान भाई, इश्तियाक भाई, उमर भाई, उमर भाई, नदीम भाई, नदीम चौधरी, वहीं रहो भाई, वहीं रहो भाई, इरफान भाई, हाँ, बड़े भाई हैं, इससे बड़े हैं, आदिल भाई, इरफान भाई, आजी जी, दिलशाद भाई, दिलशाद भाई, कहीं ना हो आपकी तरह जो, आदिल भाई आपके पीछे, आगे जाइए, आगे जाइए, दिलशाद भाई आप भी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप सब लोग आगे आ जाइए। इश्तियाक भाई, इश्तियाक भाई, हाँ, लाइन में हो सर, आज इश्तियाक भाई आ गए जो, हमारे सभी आप लोग भी आ जाओगे, वो भी एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। आप लोग कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा पूरा। चलो चलो एक खड़े रहिए, हो गया जी, एक मिनट। दिलशाद इसको तो भेज, हो गया। देखिए मनीष जी ने पूरी बात रख दी है, मैं केवल उसमें एक ही बात जोड़ना चाहता हूं। कि एमसीडी के चुनाव, गुजरात के चुनाव में पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है अपने ओपोनेंट पार्टी से मुकाबला करने के लिए। मतलब दावे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी,
इतनी मजबूर दीनहीन हो गई है कि उसे अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए फर्जिंग स्टिंग लेकर के आना पड़ता है, फर्जी चिट्ठी लेके आना पड़ता है, फिर बीमारी का वीडियो लेके आना पड़ता है। मेरे ख्याल से इतनी बैंकरप्सी किसी चुनाव में हमने नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बोल पा रही और मुझे लग रहा है कि ये बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनका मुंह खुलेगा तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मेरा तो अंदाजा यह है कि इन्होंने चुनाव तक के लिए शेड्यूल बना रखा है कि किस दिन क्या बोलना है। मेरा ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट को तो इनको घर घर जाना पड़ेगा। और अगर ये इनके नेता अगर शीर्ष नेतृत्व अगर जवाब नहीं देगा, 15 साल का हिसाब नहीं देगा, तो गली गली में इनसे हिसाब लिया जाएगा। इनके कैंडिडेट से गली गली में पूछा जाएगा, पहले हिसाब दो फिर आगे की बात करेंगे। अगर ये सोचते हैं कि मतलब भाग बीजेपी भाग, कब तक भागोगे भाई? मार्च में चुनाव था वहां से भागे, फिर भागते भागते अब लेकर आए गुजरात के चुनाव के साथ, अब गुजरात के साथ चुनाव हो रहा है फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी भाग रहे हो, कितना भागोगे? अगर भागने में ही अगर लग गए तो 4 तारीख के परमानेंट भगा देंगे दिल्ली से, मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी उनको, इससे बीजेपी भाग नहीं पाएगी। अरे वो तो शिकायत क्या की है, जब उन्होंने गिरफ्तार करके अंदर सत्येंद्र जैन जी को रखा ही हुआ है तो और पुलिस क्या करेगी? अब कहां ले जाएगी गिरफ्तार करके? किसको तमाशा बना रहे हैं? जिसको जेल के अंदर बंद कर रखा है उसको FIR करके और कहां ले जाएंगे? तमाशा बना रहे हैं वो। इस तमाशे से दिल्ली के लोग भ्रम में आने वाले नहीं है, उनको 15 साल का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, रोजाना कराते रहे ना, हम कह रहे हैं जो जो करना है कर लें, हम तो कह रहे हैं सबको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 15 साल तुमको दिल्ली के लोगों ने मौका दिया उसका तो हिसाब दो भाई। 4 तारीख को बटन तो इस बात के लिए दबना है कि 15 साल जिसको मौका दिया था उसको अगले 5 साल के दें या ना दें, चुनाव तो इस पर होना है, बाकी जो मर्जी है वो आप करते रहो, लेकिन 15 साल आपने क्या किया वो बताइए, और अगले 5 साल के लिए आपको मौका क्यों दे दिल्ली के लोग ये बताइए, इससे कैसे भाग सकते हो? FIR तो रोजाना करते रहते हैं, SCB में बुलाते रहते हैं, जेल भेजते रहते हैं, रोजाना काम करते हैं, करते रहिए। गोपाल जी, कल बीजेपी के काफी बड़े नेता दिल्ली में रोड शो करेंगे, वोट मांगेंगे एमसीडी चुनाव के लिए, इसमें सांसद, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल है, साथ ही मुख्यमंत्री भी शामिल है बीजेपी राज्यों के, क्या कहना है आपका? मेरा एक ही कहना है कि 15 साल में भाजपा ने क्या किया, दिल्ली कूड़ा कूड़ा क्यों है, दिल्ली में कूड़े का पहाड़ क्यों है? पिछली बार अगर सारे भ्रष्ट पार्षदों का टिकट काटा था तो इस बार मौका उनको क्यों दिया जाना चाहिए? अगर आ रहे हैं नेता तो इसका जवाब दें, दिल्ली के लोग इसका जवाब चाहते हैं। मेरा एक ही निवेदन, जैसे नड्डा साहब रामलीला मैदान में आए थे और चुपके से भाग गए थे बिना बोले, वैसे मेरा ये निवेदन है कि ये नेता कम से कम चुपके से ना भागें। 15 साल का हिसाब दिल्ली के लोग चाहते हैं, कूड़े के पहाड़ का हिसाब चाहते हैं, अगर आ रहे हैं तो इस बात को बताएं, हो सकता है दिल्ली के लोगों को समझ में आ जाए। सर, एक बीजेपी वीडियो दिखा रही है, वायरल किया जा रहा है, महेंद्र यादव का वीडियो है जिसमें ये कहा जा रहा है, महेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि आपने इस बार वोट नहीं दिया अरविंद केजरीवाल को या हमारी पार्टी को तो हमारे साथ कोई काम नहीं बनेगा। देखो, पहली बात यह है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, MCD में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है, तो मेरी पूरी दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का पार्षद बनाते हैं तो वहां काम ज्यादा होगा। अगर सरकार MCD में भी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की है, अगर किसी और पार्टी का पार्षद बनता है तो झगड़ा करेगा, काम तो उससे प्रभावित होता ही है। थैंक यू।